व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन डेट को फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट और सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एचआरडी मिनिस्टर ने एक पैनल सेट किया है रिव्यू करने के लिए जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन की डेट को कब रखा जाए सिचुएशन को देखते हुए। जो आपका करेंट शेड्यूल था 26 जुलाई को, और जेई मेंस का जो था आपको 18-27 जुलाई को, उसको फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया। इससे पहले सीबीएसई, आईसीएसई और आईसीआई और सीए एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन किया गया था, और इसी के लिए एचआरडी मिनिस्टर ने एक पैनल को सेटअप किया है कि वो डिसीजन ले सके कि एनटीए के साथ मिलकर एग्जामिनेशन कब होगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा एग्जामिनेशन के प्रोबेबल डेट्स क्या हो सकते हैं। तो आपको बता दूं, जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन को थर्सडे को, मतलब एक दिन पहले, इसको फाइनली ये शेड्यूल मतलब बता दिया गया एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसको फाइनली पोस्टपोन किया जाएगा। इसका डिसीजन 3 जुलाई मतलब यानी कि आज आने वाला है, और ये पैनल डिस्कशन के बाद सारे डिटेल्स आप लोगों के सामने होगी। उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो लेटेस्ट अपडेट है, सीबीएसई ने पिछले वीक कैंसिल कर दिया अपना बोर्ड एग्जामिनेशन। उनका एग्जामिनेशन 1 जुलाई से 15 जुलाई को रखा गया था। पेरेंट्स ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज की थी कि इस एग्जामिनेशन को नहीं लेना चाहिए, कोविड-19 का संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ा है कि स्टूडेंट के ऊपर रिस्क था, जिसको लेकर सीबीएसई ने बात सुना और एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट की बात करें तो वो 26 जुलाई को होने वाला था, और जेई मेंस का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में होना था, लेकिन अब इस डेट में नहीं होगा। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने थर्सडे को एक पैनल बैठा है, सेटअप किया है, जो चेक करेगी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन कब करवाया जाए, कोरोना वायरस के सीन क्या है, कब एग्जामिनेशन को लिया जा सकता है। जेई मेन और नीट एग्जामिनेशन के डेट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एग्जामिनेशन है उसको जुलाई या फिर अगस्त में, मतलब जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला था जून जुलाई में, तो उसको पोस्टपोन करके जुलाई या फिर अगस्त में किया गया, लेकिन जुलाई अगस्त में भी एग्जामिनेशन लेना संभव नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है जुलाई या फिर अगस्त में लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रोबेबली जेई मेंस और नीट की जो डेट हो सकती है वो अक्टूबर में हो सकती है, सितंबर भी नहीं कह रहा, अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन होने की संभावना है। मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो लग रहा है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, कल सारा डिटेल्स आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने जो पैनल सेटअप किया है रिव्यू करने के लिए जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन की, उसकी जो डिटेल्स है वो कल निकल के आएगी आप लोगों के सामने। एज कॉल टू पोस्टपोन द जेई मेन 2020 एंड नीट 2020 एग्जाम डेट्स ग्रो लाउडर, द एचआरडी मिनिस्टर हैज नाउ फॉर्म अ पैनल टू रिव्यू सिचुएशन फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो आपको बता दूं, ट्विटर पे इतना ज्यादा ट्वीट किया गया कि एचआरडी मिनिस्टर तक बात पहुंचा और साथ में एनटीए तक भी बात पहुंचा, जिसको लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन थर्सडे को दिया, मतलब आज दिया, और एचआरडी मिनिस्टर ने एक पैनल भी बैठाया जो सिचुएशन को देखेगी कि एग्जामिनेशन को कब करवाया जाए। उसके बाद ये देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ में एक वीडियो भी लगाया, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें जो ये जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन कैसे हुआ और कैसे इतनी जल्दी आप लोगों के सामने निकल के आया, तो आपको पता होगा तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो उनके तेलंगाना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थे उसके एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया। इसी से रिलेटेड नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन किया गया। आपको बता दूं, 3 जुलाई को उम्मीद थी कि एडमिट कार्ड रिलीज होगी, उससे पहले ही इसको पोस्टपोन करने की जानकारी आप लोगों को दे दी गई। जैसा कि देख सकते हो, पेरेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर भी थे, उन्होंने एग्जामिनेशन काउंसिल को कहा कि आप इस एग्जाम को पोस्टपोन करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंड है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, फिर से आपका महाराष्ट्र देख सकते हो, तो इन सभी जगह पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड एचआरडी मिनिस्टर मतलब रमेश पोखरियाल को भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था, साथ में लेटर भी लिखा था। इंडिया पेरेंट, इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन ने एचआरडी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि आप इस एग्जाम को पोस्टपोन करो, बहुत सारे बच्चे इससे इफेक्ट हो सकते थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे पड़ सकता था, सेफ्टी रीजन से पूरे भारत में लॉकडाउन है बहुत सारे जगहों पे, इसलिए कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, इसलिए ये लेटर को लिखा गया था, और एचआरडी मिनिस्टर ने इस बात को सुना भी। उसके बाद देख सकते हो, लगभग 15 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम, 15 लाख बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, और
लगभग 9 से 10 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं। उसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोग को बता दूं, एनटीए को रिपोर्ट किया गया था बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा जो कि गल्फ कंट्री में रहते हैं और वो चाहते थे कि नीट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए। आपको बता दूं इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स नीट के साथ विदेश में नहीं है तो उनको भारत आना पड़ता है एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण उनके बच्चे जो गल्फ कंट्रीज में है भारत से बाहर है उनको आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि इस एग्जाम को पोस्टपोन हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे नीट के जो भारत में नहीं होंगे, भारत से बाहर होंगे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन कुछ जो आप देख सकते हो कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो चार्टर प्लेन या फिर ये फ्लाइट लेके आ जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उनके लिए रिस्की था इसलिए एनटीए ने भी सोचा कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराना ही संभव है, मतलब अच्छी बात होगी। उसके बाद एक टीएनएन रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, उसमें सजेस्ट किया था नियरली 4,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि केरला से हैं वो गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा कि देख सकते हो मेजोरिटी हेलिंग फ्रॉम केरला हैव मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन जुलाई टू विद अपील टू गेट नीट एग्जाम पोस्टपोन और डायरेक्ट एनटीए टू सेटअप सेंटर हियर। तो जो गल्फ कंट्री में जो फंसे हुए थे उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो परिजन थे वो केरला के रहने वाले हैं और उनके बच्चे बाहर में फंसे हुए थे गल्फ कंट्रीज में, तो जो मेजोरिटी जो फैमिलीज हैं जो केरला में रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2 जुलाई को और उन्होंने अपील किया था कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए या फिर एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर को विदेश में जाके मतलब बना दे ताकि बच्चे को आने की जरूरत ना हो, इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है वो अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो सकता है ये मुझे उम्मीद है। आप असली डेट तो कल ही मतलब आज ही आपके सामने में आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।